नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर सूर्य अभी ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि से और शनि यहां पर उदय हुए हैं। बहुत तेजी से ग्रहों का परिवर्तन यहां पर हो रहा है और इसी बीच में हमने प्रिडिक्शन किया था कि 9 तारीख वो समय रहेगा जब एक बड़े भूकंप की दस्तक रहेगी और यहाँ से अब आने वाले समय में आने वाले 1 से 1.5 महीने तक के बीच में कहीं ना कहीं बड़े भूकंप के आने की गुंजाइश ज़्यादा है। और वैसा ही हमें यहाँ पर होते हुए भी दिख गया कि एक 7.7 रिएक्टर का भूकंप, जो कि बहुत ही बड़ा भूकंप हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 7.7 रिएक्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है और उसके परिणाम हमने देखे गूगल पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ में भी कि किस तरह से सड़क पे दरारें पड़ गई। सुनामी आने की चेतावनी यहाँ पर दे चुका है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अब सुनामी आने के चांसेस भी बन रहे हैं। बट देयर इज़ अ रोटेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ एक जगह पर सीमित नहीं रहती और कहीं ना कहीं रोटेशन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह रहता है और ये रोटेशन कहीं ना कहीं उत्तर भारत की तरफ या फिर उत्तर एशिया की तरफ या फिर उत्तर दिशा में ना ट्रैवल कर जाए, क्योंकि ये जो भूकंप आया है दक्षिण दिशा में आया है, जो मेरी अभी भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कहती है कि उत्तर दिशा में भी एक बड़ा भूकंप आने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखते हैं इसको भी। बट एक बड़ा भूकंप जो हमने कैलकुलेशन करके कहा था कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है जो सुनामी के संकेत दे सकता है, वो यहाँ पर पूरी तरह से सत्य हुआ है। पूरी तरह से एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ पर बैठी है, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भूकंप के झटके आते रहते हैं, बट देखिए 2.2 का झटका आना और 7.7 का झटका आना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर भूकंप आ जाते हैं तो वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आता है। इसीलिए मैं अभी भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं बड़े भूकंप और झटकों के पीछे ग्रहों की कैलकुलेशन होती है, आज भी होती है, चाहे साइंस मान ले या ना माने इस बात को, बट ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बनता है जो बड़े भूकंप में परिवर्तित होता है। इसके पीछे शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है जो कि मैं अभी यहाँ पर वीडियो में नहीं बता सकता, बट ये कन्फर्म है कि भूकंप की या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को हम ज्योतिष की गणनाओं से कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए भूकंप का जो प्रेडिक्शन था वो तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ अभी जो मैंने लेटेस्ट कैलकुलेशन करी है उसको मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ठंड का दौर यहाँ पर वापस आ सकता है, फिर बढ़ सकती है ठंड। जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है वो इशारा कर रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश और ठंड के बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। अभी अगर हम देखें दोस्तों तो फरवरी का महीना ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि यार ठंड तो जाने वाली है, अब तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और हालांकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर भी गर्मी सी महसूस होने लग गई है और धूप भी थोड़ी सी तेज़ आ गई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ये इशारा कर रही है कि अभी ठंड बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं मेरा कोई नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये मैं कैलकुलेट करके ग्रहों के आधार पर ही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ठंड वापस से आने वाली है। मौसम कहीं ना कहीं करवट बदलने वाला है, समय यहाँ पर बदलने वाला है। तो जो दक्षिण दिशा में हुआ उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर दिशा में यहाँ पर दिखने वाला है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ कहीं ना कहीं मौसम जो है वो पलटेगा और उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं ठंड का कहर हमें दिखेगा ही दिखेगा, ऐसे चांसेस क्लियरली यहां पर दिखाई देते हैं। भारत में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ठंड के चांसेस ज्यादा बनते हैं। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए इसमें, दिल्ली को ले लीजिए इसमें, मध्य प्रदेश को ले लीजिए इसमें, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यहाँ पर ठंड के चांसेस, साथ ही साथ बारिश के चांसेस भी दिखाई देते हैं, बिजली गिरने के भी चांसेस दिखाई देते हैं और बिजली गिरने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो ऐसे भी चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इन जगहों पर आप सभी नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर बिजली गिरने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, ऐसे चांसेस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके अलावा अगर आप दूसरी जगह पर देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ पर अभी एक ग्लेशियर वो हुआ था वहाँ पर आप देखिएगा, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, आप इसी डायरेक्शन में आगे जाएं जम्मू कश्मीर ले लीजिए आप, वहाँ पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है, तापमान में गिरावट आ सकती है और उसके चलते हुए मौसम यहाँ पर पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे सकता है।
यहाँ पर कश्मीर के आसपास पहाड़ी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम रहने के कारण और तेज़ बर्फबारी होने के कारण कहीं ना कहीं हिमाचल के आसपास और उत्तराखंड के आसपास लोगों को डर लग सकता है। बारिश की आशंका यहाँ पर पूरी तरह से है। बादलों का गर्जन आप सुनेंगे ही सुनेंगे, बर्फबारी होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए मौसम जो है वो बदल रहा है, और यही मौसम बदलता हुआ मौसम ओलावृष्टि की भी बात मैंने कुछ दिनों पहले भी वीडियो में कही थी कि ओलावृष्टि भी आ सकती है और उसके कारण से फसलों को भी यहां पर नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। अभी देखिए क्या हो क्या रहा है, मौसम को समझिए और ग्रहों की कैलकुलेशन को समझिए और नेचर की प्रकृति को समझिए। दो तरह की चीजें होते हुए दिखाई दे रही है, आग की घटनाएं और पानी की घटनाएं, आग से नुकसान और पानी से नुकसान, ये दो चीजें हमें क्लियरली यहां पर दिखाई दे रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, जब से मैंने कहा है आग की घटनाएं शुरू हो जाएंगी तब से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट उत्तर दिशा की तरफ स्पेशली मुंबई के और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में रेगुलरली कंटिन्यू आग लग रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन किसी न किसी चीज में किसी न किसी तरह से आग की घटनाएं, बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। दूसरी चीज पानी की घटनाएं हमने कही थी तो उत्तराखंड में जो हुआ वो जग जाहिर है, वो आप सभी ने देखा है। इसके बाद तीसरी जो सत्य हुई घटना थी वो थी कि यहां पर समुद्र में जापान का पनडुब्बी और चाइना का जहाज आपस में टकरा जाना और भीषण आग लगना, पूरी तरह से सारी चीजों का खाक होना, पानी के अंदर भीषण आग, ये घटनाएं भी हमने देखी। इसके बाद अभी ये भूकंप और ये सुनामी का जो संदेश दिख रहा है ये भी कनेक्टेड यहां पर पानी से आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो पानी का तो कहीं ना कहीं कनेक्शन पूरी तरह से यहां पर बन ही रहा है। पानी तो है ही है, पानी है, नमी है, इस कारण से सर्दी भी है, इस कारण से बर्फबारी भी है, तो इसके कैलकुलेशंस यहां पर क्लियरली दिखाई देती हैं। तो इसी कारण से ये मैं यहां पर कह रहा हूं कि मौसम कहीं ना कहीं परिवर्तित होगा। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंड और बारिश वापस आते हुए हमें दिखाई देती हैं। बिजलियाँ गिरना और बिजली गिरने के कारण से किसी का नुकसान होना, बिजली भी क्या है, करंट है, आग है, और पानी बारिश के साथ बिजली गिरना ये बड़े नुकसान को संकेत करता है। इसी कारण से यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो ज्योतिषीय गणना है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मूड किसी को डराने का नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को घबराहट देने का नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखें आप, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशंस बता दूँ ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो पाए। ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ नेचर यहाँ पर हमें देने वाला है और नेचर में इस तरह की घटनाएँ अभी हो सकती हैं। आने वाले 7 मार्च तक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे जैसे मार्च का महीना खत्म होता जाएगा प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी सी कम होती जाएंगी और इसमें फुल स्टॉप ब्रेक पूरी तरह से लगता जाएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो मैंने अभी तक कैलकुलेशन करी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है और इन्हीं कैलकुलेशंस को सत्य होते हुए आप अपने सामने देखेंगे और फिर आप अगर कहीं देखें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप कि आपने कुछ ऐसा होते हुए देखा जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था और आपने वहाँ पर सत्य होते हुए देख लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, बारिश आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो, प्राकृतिक घटनाएं, अपने घरों से बाहर ज़्यादा ना निकले, अननेसेसरी ज़्यादा बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें ताकि आपको इस तरह की कोई भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बादलों की गर्जन है, तो वहाँ पर आपको अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियोज़ आपको अच्छे लगेंगे मेरे और वीडियोज़ को आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।